नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। खबर आ रही राजस्थान से, जहां दहेज की होड़ में बेटियों का लगातार शोषण किया जाता है। आपको बता दें कि राजस्थान के भगवा स्वयं संघ सेवक ने बताया कि दहेज की होड़ में बेटियों का लगातार शोषण हो रहा है। वहीं भगवा स्वयं संघ सेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश नोरवा ने दहेज के लोभियों को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं। दहेज की डिमांड करने वाले लोगों को समाज से बहिष्कार करना चाहिए। आपको बता दें कि दहेज के कारण लगातार बेटियों पर अत्याचार होते हैं। आखिर कुछ पैसों के लिए बेटियों के ऊपर इतने अत्याचार क्यों किए जाते हैं? वहीं सुरेश नेरवा ने कहा कि समाज में कोई दहेज की डिमांड करता है तो वह उस कसाई के समान है जो सिर्फ पैसों के लिए अपने बेटों की शादी करता है। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर सुरेश राजपुरोहित बारवा की रिपोर्ट। आइए हम सब मिलकर दहेज लेने वाले कसाईयों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। बैंकों से लोन लेकर बंगले व गाड़ियां खरीदने वाले अपने 20 वर्ष के लौंडे की शादी में दहेज की डिमांड करने वाले कसाईयों के खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। आज समाज में बेटियों का शोषण हो रहा है, और अगर वो शोषण हो रहा है तो उसका कारण दहेज है। इसीलिए आइए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले युवा साथियों, आइए मेरे साथ मिलकर के दहेज लेने वाले कसाईयों के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। आज लव जिहाद से भी घातक दहेज लेने वाले लोग हैं, और उनके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज उठानी है। और इस मुहिम से जुड़िएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और समाज के हर बंधु तक पहुंचाइएगा। आपका अपना सुरेश नोरवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा स्वयं सेवक संघ।